हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 20 एंड माय नेम इज शाबान अंसारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंट्रोल मॉडल डिवाइस के बारे में कि कंट्रोल मॉडल क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में, और मैंने उस वीडियो में बहुत ही बेसिक्स आपको बताया था और इन डेप्थ मैंने आपको नॉलेज नहीं दिया था हर एक चीज़ के बारे में। तो इस वीडियो में मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि कंट्रोल मॉडल और मॉनिटर मॉडल पर एक वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल मॉडल के रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये सीखेंगे कि कंट्रोल मॉडल एक्चुअली क्या है, वो कैसे वर्क करता है फील्ड में, उसको किस तरीके से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और हम लोग इस कंट्रोल मॉड्यूल को कौन कौन से जो है सिस्टम के साथ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, बेसिकली इस वीडियो में आपको बताऊं कंट्रोल मॉडल किस तरीके से फील्ड में इंस्टॉल होता है और हम लोग इसको किस तरीके से जो है अदर सिस्टम के साथ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में फील्ड पे लेकर जाके बताऊंगा और कैसे ये इंस्टॉल किया हुआ है, क्या इसकी एड्रेसिंग है वो मैं आपको बताऊं, कैसे इसके जो है दूसरे डिटेक्टर से हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं और फिर हम लोग उसका केबल जो है एक्सेस कंट्रोल में देते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो एक्जैक्टली क्या है। कंट्रोल मॉड्यूल का मतलब होता है कंट्रोल मॉड्यूल एक्ट एज अ रिले मॉड्यूल। अगर आप देखोगे इस डिवाइस पे तो आपको रिले मॉड्यूल लिखा होगा। आपको मैं पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि रिले किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली आपने इलेक्ट्रिकल में देखा होगा रिलेज होते हैं। रिले बेसिकली कैसे ऑपरेट होता है, इसमें एक्स के एक साइड पे हम इनपुट देते हैं और सेकंड साइड पे जो है हमें एक स्टेटस होता है, यानी एनओ, एनसी और कॉमन, तीन टर्मिनल होते हैं। जब हमारा जो रिले के अंदर जो कॉइल होता है जब वो एनर्जाइज होता है तो उसके बाद वो अपना स्टेटस चेंज करता है। मान लीजिए पहले वो एनओ है तो जो स्टेटस का एनओ है वो एनसी हो जाएगा। तो इसका हम लोग इसको हम जो ये जो कॉन्टैक्ट है हम लोग इसको बोलते हैं पोटेंशियल फ्री। अगर आप मल्टीमीटर से वहाँ पर चेक करोगे इसका आउटपुट साइड पर तो आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वांटिटी चेक करोगे तो आपको कॉमन और एनसी में आपको जो है क्वांटिटी मिलेगी। इसके बाद अगर आप जब ये रिले ऑपरेट होगा, जब ये एनर्जाइज होगा तो सेम उसी पॉइंट पर आपको जो है क्वांटिटी नहीं मिलेगी, वो आपको एनओ मिलेगा। इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप रिले ऑपरेट होने के बाद उसने अपना स्टेटस चेंज कर दिया। सेम हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं रिले मॉड्यूल के अंदर, कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इसको इंस्टॉल करते हैं फील्ड में और हम लोग इसका जो आउटपुट होता है वो अदर डिवाइस से इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी फील्ड पर फायर अलार्म पैनल इंस्टॉल्ड है, ठीक है, वो एक अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम है। अब मान लीजिए आपके साइट पर फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है, फायर हो जाता है, तो हम लोगों को उस फायर पैनल से कौन कौन सी जो डिवाइस है उसे हम लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक ये केस पर इस वीडियो में ये केस ले लेता हूँ कि मेरा फायर पैनल एक्टिवेट हो गया है और मुझे मेरा एक्सेस कंट्रोल को जो एक्सेस कंट्रोल के जितने भी डोर है वो उनको डीएक्टिवेट करना है। मान लीजिए ट्रिप करना है या बंद करना है डोर्स को, ओपन करना है बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा रिले मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल करूँगा और उसका जो पॉइंट है, जो आउटपुट साइड का पॉइंट है कॉमन एनसी एनओ, उसमें से जो दो केबल है कॉमन और जो एनसी का जो एनओ का केबल है वो मैं मेरे जो मेरा एक्सेस कंट्रोल पैनल है उसको मैं दे दूंगा। इफ़ इन केस जब मेरा फायर एक्टिवेट होगा, मेरा रिले मॉड्यूल एक्टिवेट होगा, कंट्रोल मॉड्यूल एक्टिवेट होगा और उसके बाद जो है सिग्नल मेरे एक्सेस कंट्रोल पैनल को मिल जाएगा और मेरे जितने भी डोर्स है वो सब ओपन हो जाएंगे, यानी डीएक्टिवेट स्टेट में आ जाएंगे। इसलिए हम लोग जो है कंट्रोल मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप जो है कंट्रोल मॉड्यूल को पीए सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि साइड पर जब फायर अलार्म एक्टिवेट होता है तो पीए सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है और आपको अनाउंसमेंट सुनाई देता है, तो वो रिले मॉड्यूल के थ्रू होता है। आपने देखा होगा कि जब भी फायर अलार्म एक्टिवेट होता है तो जो हमारा लिफ्ट होती है, लिफ्ट जो है वो सारी की सारी ओपन हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, तो वो इसी तरीके से किया जाता है। इसके अलावा जो है आप कंट्रोल मॉड्यूल को ऑटो डायलर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं ट्रिगर लेने के लिए। अब मैंने ऑटो डायलर का एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ऑटो डायलर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, वो मैंने वीडियो बनाया था। आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा। कंप्लीट दो वीडियो बनाया था मैंने, एक ऑटो डायलर क्या होता है, क्या उसका बेसिक फंक्शनिंग है, कैसे वर्क करता है, और सेकंड वीडियो में मैंने उसकी जो है प्रोग्रामिंग बताया था। तो सिमिलरली हम लोग वही कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम लोग जो है ऑटो डायलर के ट्रिगर को हम लोग कंट्रोल मॉड्यूल का जो आउटपुट है वो केबल हम लोग कनेक्ट कर देंगे ऑटो डायलर के इनपुट में। जैसे ही हमारा जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो एक्टिवेट होगा उसके बाद ट्रिगर मिल जाएगा ऑटो डायलर को और ऑटो डायलर जो है डायलिंग का वर्क शुरू कर देगा। उसी तरह हम लोग जो है कंट्रोल मॉड्यूल को फायर डैम्पर के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर इनके से हमारा जब फायर एक्टिवेट होगा तो हमारे जितने भी फायर डैम्पर है वो सब जो है बंद हो जाएंगे। तो हम लोग इस तरीके से अदर सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जितना मैंने किया मैंने आपको बताया, अगर आप इसके अलावा और भी आप जानते हैं कि आपने किसके सिस्टम के साथ आपने इंटीग्रेट किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैंने फायर अलार्म पैनल को इसी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं आपको फील्ड पर लेकर चलता हूँ और आपको एक कंट्रोल मॉड्यूल बताता हूँ और किस तरीके से जो है वो कनेक्ट हुआ है फील्ड में। SLC सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें कनेक्ट है और उसका जो आउटपुट केबल है किस तरीके से मैंने मेरे एक्सेस कंट्रोल पैनल को दिया है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा जो है कंट्रोल मॉड्यूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिले मॉड्यूल। अब ये नॉर्मल है, इसलिए ये जो है ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। इसके एक साइड पर SLC सर्किट होती है, ठीक है। SLC सर्किट का मतलब ये होता है कि जो
हमारा जो डिटेक्टर से केबल आता है वो एक केबल इनपुट और आउटपुट जो है ये शॉर्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, एसएलसी नेगेटिव, एसएलसी पॉजिटिव। इसका मतलब एक जो केबल आया होगा यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो केबल है ये इसके बाद का जो डिटेक्टर है उससे कनेक्ट है, और उसके बाद ये जो केबल आप देख सकते हैं यहाँ से जाया, ये इस जो डिटेक्टर है यहाँ पर इंस्टॉल है कि इसमें, यानी एक डिटेक्टर का केबल आकर यहाँ पर कनेक्ट है पॉजिटिव नेगेटिव, उसी से पॉजिटिव नेगेटिव जो मेरा नेक्स्ट डिटेक्टर है जो दूसरे रूम में गया हुआ वो वहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी ये साइड मैंने आपको बता दिया एसएलसी सर्किट जो डिटेक्टर से आया हुआ केबल है और जो डिटेक्टर को गया हुआ है। उसके बाद ये साइड आप देख सकते हैं रिले के कनेक्शन है, देखिए यहाँ पर लिखा है कॉमन NC NO। ठीक है, ये एक टाइप का रिले है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये कॉमन में कनेक्ट किया है मैंने और NO में कनेक्ट किया है। जब ये मॉड्यूल एक्टिवेट होगा, जब इसको फायर का इनपुट मिल जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, तो ये जो है अपना स्टेट चेंज कर देगा और ये कॉमन तो एज यूजुअल वैसा ही रहेगा, जो मेरा NO पॉइंट है वो NC हो जाएगा। जब NC हो जाएगा तो जो ये केबल कनेक्ट है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ये जो केबल है ब्लू कलर का, ये केबल मेरे एक्सेस कंट्रोल पैनल में एक्सेस कंट्रोल को ट्रिप करने के लिए, ओपन करने के लिए दिया गया है। तो मैं अभी आपको लेके जाके एक्सेस कंट्रोल बताऊंगा ये केबल जो है कहाँ पे कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा रिले मॉड्यूल काम करता है। सेम आप इसी तरीके से यहाँ से केबल आप ऑटो डायलर को भी दे सकते हैं, यहाँ से आप केबल PA सिस्टम को दे सकते हैं, यहाँ से आप केबल बिल्डर के इंटीग्रेशन के लिए भी आप दे सकते हैं अलग अलग मॉड्यूल यूज करके। यहाँ पर टोटल जो है दो रिले है, दो कॉमन है, दो NO है और एक यहाँ पर NC। टोटल यहाँ पर आप दो रिले यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो ये रिले मॉड्यूल होता है, कंट्रोल मॉड्यूल होता है, ये जो है आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था वो ब्लू केबल, देखिए यहाँ पर आया हुआ है ये ब्लू केबल, और ये यहाँ पर जो है जिसको हम लोग फायर इनपुट कहते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये जब वो मॉड्यूल हमारा एक्टिवेट होगा तो ये जो पॉइंट है ये अभी नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये जितने भी इसमें डोर्स जो भी कनेक्टेड है वो सारे के सारे डोर जो है वो ओपन हो जाएंगे, और ये जो एक केबल लूपिंग किया हुआ है दूसरे पैनल को देने के लिए। तो इस तरीके से जो है ये बेसिकली वर्क करता है। आप इसी तरह और भी दूसरे सिस्टम को ट्रिप करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए आप जो है ये केबल दे सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से मैंने कंट्रोल मॉड्यूल इंस्टॉल किया था फॉर एक्सेस कंट्रोल। तो इसी तरह आप जो है एक कंट्रोल मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं PA सिस्टम के लिए, ऑटो डायलर के लिए, फायर डैम्पर के लिए, लिफ्ट कंट्रोल पैनल के लिए और अदर डिवाइस जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं थ्रू फायर अलार्म पैनल, उसी तरह से सिमिलरली आप जो है इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके माइंड में ये डाउट होगा कि जो कंट्रोल मॉड्यूल है इसको हम लोग ने इंस्टॉल तो कर लिया, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है? तो इस वीडियो में आपको मैं प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं ट्राई करूंगा आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको जो प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊं कैसे हम लोग जो इसको इंस्टॉल करके इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग जो है इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये एक्टिवेट होता है विदाउट प्रोग्रामिंग, अगर आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर दोगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, उसको जो है ड्यूरिंग कमिशनिंग हम लोग जो है उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन, उसके बाद ही जो है रिले अपना नॉर्मली फंक्शन ऑपरेट करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको दिया है। आप इसके अलावा अगर आपके माइंड में अगर कोई डाउट्स है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको आपके आंसर्स करने की। और आपने कंट्रोल मॉड्यूल को और कौन से डिवाइस आपने इंटीग्रेट किया वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर दोस्तों हमारी क्वेरी कमेंट में सॉल्व नहीं होती तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको ईमेल के थ्रू आपकी जो क्वेरीज आपके डाउट जो है सॉल्व करने की। दोस्तों प्लीज़ वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर लीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।